दरअसल मेरे यहाँ एक जानने वाले रहते हैं, पास में गुजर रहा था यहाँ से, सोचा आप लोगों से भी मिलता चले। बहुत अच्छा किया बेटा। बस इस तरह से आते जाते रहोगे तो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके, रहन सहन का पता चलेगा, हमें तुम्हारी आदतों का पता चलेगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो अभी तक नहीं आए, मुझे बुक शॉप जाना है, नोट्स बनाने हैं। मैं और माहम आप ही चले जाएं? हाँ नहीं, तुम्हारे अब्बू जी फोन क्यों घर छोड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं। मस्जिद गए होंगे नमाज पढ़ने, अभी आ जाते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं निदा को बुक स्टोर तक ले जा सकता हूँ? वैसे भी ये मेरी छोटी बहनों की तरह ही है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जहमत होगी, ये तो आदी है खुद से शॉपिंग करने की। नहीं यार, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जब आप लोगों से रिश्ता जुड़ ही गया है तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। खुद से आप भी हमारे साथ चलें। सगा ये साथ चलेंगे तो मुझे खुशी हो। खुद से आप ही चले ना, असद भाई भी यही चाहते हैं। मैं क्या करूंगी बुकशॉप में? चले ना खुद से आप ही, इससे भी आप सारा दिन घर पे ही होती हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। बस अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम बाहर कहीं बैठ के कॉफी पी सकते? हाँ बेटा, नेता बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ।